नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज रूम पोस्ट में। मैं हूँ आपके साथ रोशनी सिंह। ग्रैमी अवार्ड विजेता रिक्की केज ने हाल ही में उन्होंने एक ट्वीट किया है। रिक्की केज इन दिनों मुंबई में अपने खराब होटल अनुभव के बारे में बताया। केज ने बताया कि वो एयरपोर्ट पर एक होटल में ठहरे हुए थे, जब वो वहां कमरे में कॉकरोच देखकर चौंक गए। उन्होंने आगे गंदी बाथरूम नालियों और खराब पाइपलाइन के बारे में भी शिकायत की। ग्रैमी अवार्ड विजेता ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, अतीत में एक बार फिर बुरा अनुभव हुआ, उन्हें दूसरा मौका देने की कोशिश की। दुर्भाग्य से चेक इन काउंटर से अप्रतीक्षित कर्मचारी, कमरे में कॉकरोच, पाइपलाइन पूरी तरह से खराब, गैर मौजूद कपड़े धोने की पिकअप, गंदे शौचालय नालिये आदि, मुझे वास्तव में उम्मीद है कि सुधार करेंगे। इसके बाद पोस्ट में ग्रैमी अवार्ड विजेता ने एक वीडियो भी साझा किया, जिसमें कॉकरोच उनके कमरे के फर्श पर घूमता हुआ साफ दिखाई दिया। इतना ही नहीं, रिक्की ने होटल के कर्मचारियों पर असभ्य होने का आरोप भी लगाया। और मेरे ट्वीट के बाद उन्होंने लिखा कि @StateGinger के लोगों ने मेरी चाबी मेरे से डीएक्टिवेट कर दी, अतिष्ठा, धमकी भरी सेवा, शालीनता और प्रतिशोध। ऐसा प्रतीत होता है कि मुंबई हवाई अड्डे पर जिंजर होटल के साथ एक बड़ी सांस्कृतिक समस्या है। @TataCompanies कृपया ध्यान दे। रिक्की की पोस्ट वायरल होने के तुरंत बाद होटल के अधिकारी एक्स ने हैंडल से संगीतकार को जवाब दिया और असुविधा के लिए उनसे माफी मांगी। प्रिय रिक्की, कृपया आपके प्रवास के दौरान हुई असुविधा के लिए हमारी ईमानदारी से हमारी माफी को स्वीकार करें। इस मामले की हम जांच कर रहे हैं, आपकी प्रतिक्रिया अमूल्य है और हमारी टीम का एक सदस्य जल्द ही आपसे संपर्क करेगा। रिक्की केज एक संगीतकार हैं जो 3 बार ग्रैमी जीतने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने बेस्ट न्यूज इस एल्बम श्रेणी में साल 2015 और साल 2022 में अपने पहले 2 ग्रैमी जीते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें।